सब्सक्राइब करें एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल को और उसके बाद बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वे कौन से कारण हैं जिनके आधार पर डिवोर्स लिया जा सकता है? क्या किसी एक ही कारण के आधार पर डिवोर्स लिया जा सकता है? क्या शादी के तुरंत बाद डिवोर्स लिया जा सकता? आज मैं डिवोर्स जैसे सीरियस मैटर पे बात करने वाला हूँ। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम हिंदू मैरिज एक्ट अर्थात हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में दिए गए तलाक के आधारों की बात करेंगे। आखिर किन किन कारणों से एक पति या पत्नी अपने साथी को विवाह विच्छेद कर सकता है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 14 के अनुसार विवाह संपन्न होने की तारीख से लेकर एक वर्ष के अंदर तक डिवोर्स के लिए अपील नहीं की जा सकती है। इसमें अपवाद ये है कि यदि मामला वादी के अत्यधिक कष्ट सहे जाने का हो, असाधारण कष्ट दे रहा हो प्रतिवादी उसे, या प्रतिवादी के अत्यधिक दुराचार कर रहा हो, असाधारण दुराचार का मामला हो, तो न्यायालय के द्वारा अनुमति लेके अपील किया जा सकता है विवाह विच्छेद के लिए। अब बात करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में दिए गए ग्राउंड्स की, उन आधारों की जिसके आधार पर डिवोर्स के लिए अपील किया जा सकता है। यदि इनमें से कोई एक भी आधार हो तो उसके आधार पर डिवोर्स के लिए कोर्ट में फाइल दर्ज की जा सकती है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 13 में ऐसे आधार बताए गए हैं जिनके आधार पर पति पत्नी डिवोर्स ले सकते हैं और अपने वैवाहिक संबंध को समाप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आता है एडल्ट्री अर्थात जार कर्म। इसका मतलब ये होता है कि पति अथवा पत्नी विवाह के बाद किसी अन्य व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध रखते हैं। यदि आपका साथी आपको चीट करता है, आपके अलावा विवाह के बाद वो अन्य किसी के साथ शारीरिक संबंध रखता है, तो ये एक डिवोर्स के लिए रीजन बन जाता है। आप एडल्ट्री के आधार पर केस फाइल कर सकते हैं और अपने साथी से डिवोर्स ले सकते हैं, लेकिन इसमें ये बात अहम होती है कि आपके पास आपके साथी के खिलाफ ठोस सबूत होने चाहिए कि उसने आपको चीट किया है। इसके आधार पर आप कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं और अपने साथी से जो आपको धोखा दे रहा है आप उसे डिवोर्स ले सकते हैं। नेक्स्ट नंबर आता है क्रुएल्टी अर्थात क्रूरता। क्रूरता दो प्रकार की होती है, शारीरिक क्रूरता और मानसिक क्रूरता। यदि आपका साथी आपसे दहेज की मांग करता है, बेईमानी से धन कमा के लाने के लिए बोलता है, आपको गाली गलौज करता है, आपको कोई धमकी देता है अथवा ऐसा कोई कार्य करता है जिससे आपको मानसिक कष्ट पहुंचती है, तो ये मानसिक क्रूरता के अंतर्गत आता है। इसके साथ साथ यदि आपका साथी आपके साथ मारपीट करता है, आपको बार बार मारपीट देता है, तो ये शारीरिक क्रूरता के अंतर्गत आती है। तो हम जान चुके हैं क्रूरता भी एक डिवोर्स देने का आधार है। नेक्स्ट नंबर आता है अनसाउंड माइंड अर्थात विकृत चित्त पागल। यदि कोई साथी पागल है अथवा विकृत चित्त है, अपने वैवाहिक कर्तव्य को निभा पाने में असमर्थ है, तो ये एक डिवोर्स का आधार बनता है। लेकिन इसमें खास बात ये होती है कि शादी के समय ये बात पता नहीं होनी चाहिए कि वो विकृत चित्त पहले से ही है। अगर उसे शादी के समय ये बात पता होती है कि वो अनसाउंड माइंड है, तो इसके आधार पर डिवोर्स नहीं लिया जा सकता। सिर्फ डिवोर्स इसी आधार पर लिया जा सकता है कि ये विवाह धोखे के साथ किया गया है, उसे ये बात विवाह के समय नहीं पता थी कि ये अनसाउंड माइंड व्यक्ति है। नेक्स्ट नंबर आता है लेब्रोसी अर्थात कोई ला इलाज बीमारी। ऐसी कोई ला इलाज बीमारी जैसे कुष्ठ जो असाध्य हो, कभी ठीक होने वाली ना हो, तो ऐसी स्थिति में ये एक डिवोर्स का आधार बन जाता है। नेक्स्ट नंबर आता है बेनरेवल डिसीज अर्थात कोई छुआछूत अथवा संपर्क से होने वाली बीमारी, जो एक दूसरे के संपर्क में आने से बीमारी हो जाए, जिससे जान जाने का खतरा हो अथवा आपके बच्चे की जान जाने का खतरा हो, तो ये एक डिवोर्स का आधार बन सकता है। नेक्स्ट नंबर आता है धर्म परिवर्तन। यदि आपके साथी ने धर्म परिवर्तन कर लिया है अर्थात वो हिंदू था, हिंदू से मुस्लिम हो गया है, तो ये एक डिवोर्स का आधार बन सकता है। इस आधार पे आप कोर्ट में डिवोर्स के लिए केस फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर आता है आपसी सहमति से लिया गया डिवोर्स। यदि पति और पत्नी एक साल से अलग अलग रह रहे हैं और वो चाहते हैं कि वे इस वैवाहिक संबंध को समाप्त कर दें, तो वे आपसी सहमति से विवाह विच्छेद कर सकते हैं। ये एक आसान तरीका होता है वैवाहिक संबंध को खत्म करने का और डिवोर्स लेने का। नेक्स्ट नंबर आता है यदि पति या पत्नी कोई शारीरिक संबंध बनाने से मना करता है अथवा शारीरिक संबंध बनाने में अत्यधिक क्रूरता दिखाता है अथवा साफ मना कर देता है कि मैं संबंध नहीं बना सकता या सकती हूँ, तो ये आधार बन जाता है डिवोर्स लेने का। नेक्स्ट नंबर आता है यदि पति या पत्नी में से कोई संतान उत्पन्न करने में असक्षम है या संतान उत्पन्न करने के खिलाफ है, तो ऐसी स्थिति में ये डिवोर्स लेने का एक आधार बन जाता है और इसके आधार पर आप कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर आता है यदि किसी लड़की का विवाह 15 वर्ष की आयु से कम उम्र करा दिया गया है, तो वो 18 वर्ष की उम्र प्राप्त करने से पहले चाहे तो अपने पति को डिवोर्स दे सकती है।
इसके लिए उसे कोर्ट में केस फाइल करना होगा, उसके बाद ही वो डिवोर्स कर सकती है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपने हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के मुख्य आधारों को जाना, किन किन आधारों पर तलाक लिया जा सकता है, वो कौन कौन से ऐसे बेस है जिनके आधार पर पति या पत्नी एक दूसरे से डिवोर्स ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ नए दिन। जय हिंद, जय भारत।